अभी 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 हमारे आरिफ जी का सेशन, ओपीपी सेशन बहुत बढ़िया रहा, अभी खत्म हुआ उनका सेशन, और उस उन्होंने वो सारी बातें बताई जो एक कंपनी की भी होती है, प्रोफाइल, प्रोडक्ट और कंपनी का जो प्लान है, क्या आप उसमें हेल्थ भी ले सकते हैं, वेल्थ भी ले सकते हैं। आरिफ जी ने अपने बारे में भी बताया किस तरीके से वो आए गैस का काम करते थे, और मैं सबसे पहले उन्हीं को देखकर इस बिजनेस में आया था, क्योंकि जब मैंने देखा था कि ये कर सकते हैं तो मैंने कि मैं भी कर सकता हूँ। जब इनके बारे में मैं पता चला कि सर गैस का काम करते थे, आज मेडिकल के डॉक्टरों को भी ठीक कर रहे हैं, और सेंटर देखा सर का, तो जो उनका जुनून था, जिस तरीके से एक्साइटमेंट था, वो बहुत दमदार था। मतलब एक चीज होती है ना कि जो ट्रांसफर होती है, जो एक्साइटमेंट, सारे सर से पहली दफे जब मुलाकात हुई तो वो उस तरीके से बता रहे सर, और बहुत बेहतरीन चीज है भाई कि मैं सर यो हो जाएगा तो हो जाएगा, मैंने यो कर दिया तो कर दिया सर, ये पेशेंट आए थे मेरे पास और देखो चार लोग पकड़ के लाए थे, अभी अपने हाथ पैरों से पैदल जाते हैं और अपने आप ही आते हैं। ये सारी चीज जब मेरे को सुनने मिली थी, तो फिर मैं पीसीएम बीसीएम का जो डेमो है, बीसीएम पर खड़ा होने के बाद जो रिजल्ट खुद की बॉडी में आता है, तो मैंने कि ये तो एहसास हो गया था कि बीसीएम पर अगर कोई व्यक्ति खड़ा होता है, उसकी ऊर्जा में बहुत, जो बैलेंसिंग टेक्निक जो बताते हैं, साइंस बताते हैं, उसमें परिवर्तन होता है और एक अलग एनर्जी आ जाती है। क्योंकि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति अगर आज बिजनेस में ज्वाइन हुआ है, जब आए तो कहीं ना कहीं बीसीएम के डेमो से बहुत प्रभावित हुए हैं, और बीसीएम देखने के बाद और फिर वो कहने लग जाते हैं हाँ कुछ है। हमारे जो संस्था है, उस संस्था के जितने भी प्रोडक्ट हैं, उन सारे प्रोडक्टों में अलग ही बैलेंसिंग साइंस है, और उस यूनिक प्रोडक्ट है, उन प्रोडक्ट की मार्केट में कोई भी दूसरी रिजल्ट नहीं, तो तोड़ नहीं उनका, दूसरे प्रोडक्ट उनकी नकल जैसे जरूर है, मगर उनके जैसे प्रोडक्ट आज तक, मैंने इतने दिन हो गए मेरे को काम करते हुए, और मैंने कभी भी ये नहीं देखा ना सुना कोई ट्रांस के प्रोडक्ट से किसी को कोई भी साइड इफेक्ट हुआ है। क्योंकि एलोपैथिक तो आए दिन सिखाते हैं, हम सुनते रहते हैं कि फलानी दवा खा ली थी, तो बहुत सारी कंपनियों के प्रोडक्ट के बारे में हमने जानकारी, और भी नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में बहुत सारी कंपनियां जिनके की प्रोडक्ट काफी कॉस्टली है, वो उनके भी साइड इफेक्ट होते हुए देखे हमने, मगर अपनी संस्था के अभी तक हमने कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं देखा जिसकी वजह से किसी व्यक्ति को कोई साइड इफेक्ट हुआ हो। और उनके सेंटर को देखने के बाद भी मैंने यहाँ पर एक अपनी बीसीएम परचेज करी थी आरिफ सर के सेंटर के बाद, और उसके बाद हमने अपना सेंटर चलाया पर टाइम में दुकान को चलाते हुए, और बहुत सारे पेशेंटों को जिस तरीके से आरिफ सर बताते थे कि ये पेशेंट आ रहा है, चार आदमी पकड़ के ला रहे हैं, उसके बाद वो 2-3 दिन बाद वो खुद ही स्वयं चल कर आ रहा है, ऐसे बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आए जिनको चार चार व्यक्ति उठा के लाए, जिनके जिनका टॉयलेट उनके कपड़ों में निकल जाता था, उन्हें अपनी टॉयलेट करने के लिए भी खैर जमीन पर नहीं रखे जाते थे, और वो व्यक्ति मेरे यहाँ सही होके गए, और हमने भी ऐसा नहीं कुछ हमने कुछ किया हो, वही ट्यांस का हेड गेयर और ट्यांस की बीसीएम मशीन, बाकी की अपनी न्यूट्रिशन, तो ये सारी चीजें हमने देने के बाद ही, बहुत सारे जो बुजुर्ग महिलाएं थी जिन पर तो मेरे सर पर हाथ फिरा फिरा कर मुझे दुआएं देती थी, और ऐसा बताते थे डॉक्टर मुजाहिद सर, कह रहा सर हम मैं आपको एक ऐसा व्यक्ति बना दूंगा कि आपके सामने डॉक्टर भी मतलब जो है ना हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे, और ऐसा हुआ, ये कॉन्फिडेंस भी आई हमें, और सारे डॉक्टरों से भी मुलाकात हुई, सारे ऐसे लोगों से भी मुलाकात हुई जो दुनिया में सारे सब परेशान होने के बाद भी
बहुत लंबी लंबी दवाइयां खाने के बाद भी, और हमारे यहाँ से ट्रीटमेंट लेके गए, BCM मशीन वगैरह भी उन्होंने परचेज करी, किसी ने हेड गियर परचेज किया, किसी ने ब्रेसलेट परचेज किया, और ये सब हम करने के बाद फिर हमने थोड़ी थोड़ी सी जानकारी प्लान के माध्यम से लोगों को भी जानकारी देना चालू की, उम्मीद जी गोदाम जानकारी दी, धीरे धीरे हमारा काम टीमवर्क में बदला। और पहले हम सिंगल कर रहे थे सेंटर बेस, टीमवर्क में काम बदला और आज हमारे साथ बहुत सारे जो ऐसे सेंटर हैं उन्होंने मेरे से भी ज्यादा बहुत अच्छे एक्सपीरियंस लिए और मेरे से ज्यादा पेशेंट उन्होंने ठीक किए हैं और दुआओं के साथ वो भी पैसे कमा रहे हैं। इसी समय पर वो भी किसी बिजनेस को लेकर, क्योंकि वो हमारी टीम में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हर व्यक्ति अपने लेवल का काम करना चाहता है। हम तो बहुत है मार्केट में, किसी की भी गधा लदी आज ही चालू कर दो आज ही मिल जाएंगे, मगर अपने लेवल का काम मिलना चाहिए। जो आदमी चाहता है कि भाई इस तरीके से काम ऐसा मिल जाए कि जो कि हम अपनी फैमिली को भी समय दे पाए। अब मैंने भी शुरू में पार्ट टाइम काम चालू किया था और उनकी जो समस्याएं उनको करते हुए वो उनकी जो मार्केट में रिस्पेक्ट बनी हुई है, इज्जत बनी हुई है। अगर कोई व्यक्ति आज पढ़ लिख गया है और उसकी अच्छे खासे लोगों में उठा बैठी है तो मेहनत मजदूरी भी नहीं कर पाएगा, इसलिए नहीं कर पाएगा कि उससे चार आदमी ये कहेंगे अरे कि भाई तुम तो बहुत हालत थी तुम्हारी और तुम जो है ऐसे काम कर रहे हो। बहुत सारे लोग हैं दुनिया में एक दूसरे के काम की हंसी उड़ाया करते हैं तो आदमी नहीं कर पाता है, मगर ट्रांस में कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आकर किसी भी प्रोफेशन में हो, तो मेहनत मजदूरी वाले में हो या कोई और बड़ा बिजनेस कर रहा हो, वो भी यहाँ पर आके काम कर सकता है। क्योंकि यहाँ पर कोई भी काम ऐसा नहीं है कि आपको किसी भी तरीके का, जैसे हम बोलते हैं ना स्मार्ट बिजनेस, किसी भी तरीके का आपको यहाँ पर तकलीफ आ जाए, हर आदमी आपको सम्मान ही देगा इस बिजनेस में आने के बाद। और ऐसा हमारे साथ भी हुआ था कि जो लोग हमें, जब हमारे सेंटर पर बहुत सारे पेशेंट आया करते थे तो वो सुबह से ही लाइन लग जाती थी 6 बजे से, तो 6 बजे से ही बहुत सारे पेशेंट आया करते थे। तो डॉक्टर साहब घर पर आ जाते थे कि सेंटर खोलो, और हमें तो उनने घर देख लिया था। सारे अड़ोसी पड़ोसी ये कहते थे कि ये कब से डॉक्टर बन गए, मेरे पड़ोसी एक दिन अपने घर में पेशेंट को ले गए बुला के, बोले तुम यहाँ पर किस लिए आते हैं, कि ये हमारी माता जी हैं और इनको जो है ना पैरालिसिस हो गया था जिनको उठा नहीं जाता और यहाँ से ट्रीटमेंट चल रहा है। उन्होंने किसी वैद फैद और डॉक्टरों के नंबर वंबर दिए कि ये का डॉक्टर है ये, तो आप है ना इन्हें दिखा लो उन्हें दिखा लो, क्योंकि हमारे सिस्टम के बारे में हमारे पड़ोसियों को भी जानकारी नहीं थी कि किस तरीके की हमारी मशीन है, किस तरीके का हमारा ट्रीटमेंट है। एकदम नए व्यक्ति थे और जब पेशेंट जो है कहके हमें बताते थे कि सर आपके पड़ोसी तो ऐसे ऐसे कहते हैं, तो हमने मैंने कि हमारा भी नया सिस्टम है, हम जिसको सीख के आए तो इसको जो है कहके हमें पड़ोसियों को अभी जानकारी नहीं है, वो जानकारी में आएगा तो उसके बारे में समझेंगे। ये नेचुरोपैथी में आता है और मैंने कि ये ब्लड सर्कुलेशन पे आधारित है, यानी कि ये पर्चा पकड़ा देना, हमने अपना बैम्पलेट दिया और पड़ोसी मानने को तैयार नहीं तो मैं किसी और पे इलाज कराऊँ, वो कह रहा सर मैं तो यही कराऊंगा मुझे तो फायदा है, और वो भी कहते कह रहे सर हमें तो फायदा है। इस तरीके से हमारा कॉन्फिडेंस भी आरिफ सर की तरह बढ़ा, जिस तरीके से आरिफ सर अपना बारे में बताते थे उसी तरीके से आज हम भी पूरी तरीके से बताए थे। आज हमारी टीम में कोई भी व्यक्ति अगर ज्वाइन करता है तो हम वो यही वजह होती है कि हम खुद स्वयं इस चीज को, इसके जो कॉन्फिडेंस को बता नहीं पाते, और पूरी तरीके से जब हम बताते हैं ना तो हमारा एक्साइटमेंट जो होता है वही सामने ट्रांसफर होता है।
ये सारी चीजें आप भी कर सकते हो, और जिन लोगों ने जिनके रिजल्ट लिए हैं, जिन्होंने सेंटर चलाए हैं, वो जानते भी हैं और वो वैसा ही करते हैं, उनके साथ टीम भी बनती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अभी खुद का उनका जो है विजन क्लियर नहीं है और उनके साथ टीम भी नहीं बन पाती, और वो टीम बनाने की मतलब अपलायन के कहने पर टीम बनाने की कोशिश करते हैं कि अपलायन जब बोलता है कि आप यहाँ पर कुछ टीम बना लो, तो जब वो मार्केट में जाते हैं तो उनके साथ 19-20 रियल्टी की समस्याएं रहती हैं। क्योंकि अगर ऐसा बताया जाता है कि सारे के सारे बिजनेस, एक बिजनेस को सारे के सारे लोग नहीं कर सकते, हर आदमी में भगवान ने अलग तरीके की बुद्धि दी है, विवेक दिया है, तो हर आदमी अलग अलग 80-20 का रूल बताया जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपनी गलत बात या सही बात अगर 100 लोगों के सामने रखेगा, तो आप अगर गलत बात भी अपने 100 लोगों के सामने रखोगे तो 20% लोग भी आपके साथ हो जाएंगे, 80% लोग आपके साथ हों या ना हो। और वैसे ही यहाँ है कि आज अगर आप अपनी अपनी टीम बनाना चाहते हो तो आपको अगर आप 2 लोगों की टीम बनाना चाहते हो तो आपको 10 लोग उन 10 लोगों से, नेगेटिव लोगों से गुजरना पड़ेगा। जब तक 10 नेगेटिव लोगों से नहीं गुजरोगे, तब तो जाके 2 पॉजिटिव लोग आप अपने बिजनेस में ला पाओगे। अगर आप अपनी 4 लोगों की टीम बनाना चाहते हो, आपको 20 लोगों से भी गुजरना पड़ेगा। किसी व्यक्ति को वो 20 पहले मिल सकते हैं, किसी को बाद में मिल सकते हैं, ऐसा भी संभव है। मार्केट में जब आप जाओगे तो मार्केट, जब आप फील्ड में उतरोगे, मार्केट की रिक्वायरमेंट क्या है ये आप सीखोगे। अब आप जो है ना, मतलब मार्केट के अंदर कौन कौन से सवाल पूछे जा रहे हैं, उन सारे सवालों के फिर जवाब आप तैयारी करके जाओगे, फिर आपके पास लोगों की टीम भी बनेगी, लोग आपके बिजनेस को समझेंगे और आएंगे। क्योंकि मार्केट में ज्यादातर जितने भी जो लोग हैं, वो बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में गए हैं, वो अगर उनको कोई रेस्पॉन्स वहां से मिला नहीं है, ना तो कोई उनके प्रोडक्ट में कोई दम था, ना उनकी कंपनी है कोई दमदार थी। नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर बहुत सारी कंपनियां मार्केट में चल रही हैं और आगे भी उतर जाती है, मगर उनका एक एक समय सीमा होती है, तो सीमा समय सीमा के साथ ही आते हैं वो लोग और अपने कुछ पैसे इकट्ठे कर कर चले जाते हैं। और अब नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ज्यादा सुधार आता जा रहा है, कि जो फर्जी कंपनियां थी वो धीरे 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 जितनी भी उनकी गाइडलाइंस आ रही हैं वो बस होती जा रही हैं। अगर जो गाइडलाइंस फॉलो करेगा वही कंपनियां चलेंगी, बाकी की धीरे धीरे सब छट जाएंगी ऑटोमेटिकली। पब्लिक भी जागरूक होती जा रही है, नेटवर्क मार्केटिंग के बहुत सारे लीडर्स की, जो बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग लोग कर नहीं रहे, उनकी लीडर्स की वीडियो बहुत सारे लोग सुनते हैं, उनकी वीडियो को स्टेटस पे भी लगाते हैं, एक दूसरे को शेयर भी करते हैं और उनसे बहुत कुछ सीख भी रहे हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग की बहुत सारी नॉलेज, जैसे हम पहले देते थे कि ऐसा है, ऐसा होगा, ऐसी गाड़ी, बहुत सारे लोगों के पास गाड़ी होंगी जब ये इस काम से भी पता चिंगम ले रहे होंगे, मगर आज की डेट में उनको सबको ये पता चल गई कि हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग के लोगों के पास एक अच्छी लाइफ स्टाइल होती है और एक अच्छी इनकम भी ये लोग ले लेते हैं। आज हमें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आने वाले समय में कुछ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां या तो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला उनका जो है ना मैदान में आ गए हैं, वो तो पूरी तरीके से आज इस तरीके से काम कर रहे हैं, दम है तो काम करो, नहीं है हट जाओ साइड हटो। तो पहले दिन से ही कहते हैं दम है, 4 व्यक्तियों को बिजनेस ज्वाइन करा सकते हो, दम है तो आओ नहीं तो हटो, इतना टाइम नहीं है। ऐसा वाला बनाने, एक तो तुम बन नहीं सकते हो और बनने के लिए आपके पास कोई सिस्टम नहीं है, और जो सिस्टम है अपलायन है वो आपके पास आया हुआ है और वो, इसकी भी आप पर कदर नहीं हो रही, तो आप
आप जो है ना इस बिजनेस में नहीं सकते। वैसे ही जिस तरीके से वो सारी कंपनियां फॉलो कर रही हैं, जिन सारी चीजों को, ड्रेस कोड को फॉलो कर रही हैं और प्रोफेशनल तरीके से बिजनेस को कर रही है, आने वाले समय में ये सारी चीजें हमारे साइंस के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि तो बहुत सारी जो सिस्टम हमारे यहाँ डेवलप हो रहे हैं, वो सारी चीजों को जब खींच जाती है, तो वो जिस तरीके से एक स्कूल में मैनेजमेंट सेट हो जाता है कि वहाँ पे इस तरीके से सिखाया जा रहा है, वैसे ही हर कंपनी के अंदर वो सारी चीजें डेवलप होती चली जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि टेलीविजन पर बहुत सारे साबुन की कंपनियां साबुन बना रही हैं, इसने एक ने एलोवेरा का निकाल दिया तो सारी कंपनी एलोवेरा का लगा रहेगी, इसने केसर का निकाल दिया तो केसर की सारी कंपनी केसर पत्र आएंगी। तो वैसे ही अभी चारकोल फेस वॉश आता था, बहुत सारी कंपनियां जो चारकोल फेस वॉश और चारकोल साबुन भी बना रही, तो वैसे ही सारी कंपनियों का अपना अपना एक समय के जो रूल्स चलते हैं वही रूल्स पर कंपनियां डेवलप करती चली जाती हैं अपने आप को। और वैसे ही हमारे यहाँ भी आपको देखने में मिलेगा कि जो लोग आज ढंग से काम नहीं कर रहे हैं या जिनकी भी समय पर जो काम होना चाहिए, तो उनकी समय सीमा तय हो जाएगी कि इतने समय के अंदर आप इस बिजनेस में लोगों को ज्वाइन करा पाओगे, इतने इतने समय के अंदर ये कर पाओगे। वो लोग जो पहले दिन ही ये सारी चीजें बताई जाया करेंगी, और ऐसे वही वही लोगों के साथ काम हुआ करेगा, उन्हीं लोगों वही अपलाइन की टच में रहेंगे, बाकी की जो लोग हैं ना उनको साइड में एकदम, भैया आपका समय सीमा जैसे समाप्त हो गई और आप जो है ना एकदम पकड़ लेना। आज भी है जो अप्लायंस से बिल्कुल हट गए हैं, जो अप्लायंस के सिस्टम की नहीं मान रहे वो लोग बिल्कुल छोड़ रखे, भैया अपने दम पर कर लेना, सपोर्ट आपकी रहेगी, आप अपने दिमाग की चला लो, या फिर बनाए हुए जो अप्लायंस के सिस्टम कंपनी ने जिस तरीके से बनाया कि इस तरीके से बताया कि ऐसा काम करो ऐसे करो, ये ऐसा जो है करके हमने जो हम बता रहे हैं कि आने वाले समय में एडवांस हो जाएगा, और जो लोग अभी छोटी मोटी सी जो टीम है वो खड़ी कर लेंगे, तो वो उनको बहुत बेनिफिट हो जाएगा, इन सारी हार्डनेस से नहीं गुजरना पड़ेगा। क्योंकि आज तो किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, कोई किसी तरीके का डिसिप्लिन नहीं, कोई कभी भी कैसे भी कर सकता है काम। हमारे कंपनी के प्रोडक्ट इतने बढ़िया हैं कि हम इन प्रोडक्टों को लेकर हमने काम किया, तो हम हर एक व्यक्ति से मिल चुके हैं, किसी भी अधिकारी लेवल पर हो, किसी भी राजनीतिक लेवल पर हो, बहुत सारे पोस्ट ग्रेजुएट अधिकारियों से मेरी मुलाकात हुई है, उन सारे प्रोडक्ट को मैंने रिकमेंड किया है, टैंस की भी सिस्टम के डेमो दिखाए उन लोगों को। मगर आप नेटवर्क मार्केटिंग और सारी कंपनियों के किसी भी प्रोडक्ट को उनके सामने नहीं दिखा पाते हो, तो ये हमारी कंपनी के अंदर एक ऐसा बेनिफिट है। हमारे ली जूनियन की हमें जितनी तारीफ करनी चाहिए वो उतनी कम है, उन्होंने अपनी संस्था में कुछ ऐसी प्रोडक्ट रखे हैं, उनके अपना अपना हर प्रोडक्ट का अपना एक साइंस है। हमारी जो संस्था ब्लड सर्कुलेशन पर आधारित काम करती है, उन्होंने मेन जड़ पकड़ी है किसी भी व्यक्ति की नीड क्या है, उस नीड पर ही काम हो रहा है। न्यूट्रिशन पर बहुत सारी संस्था काम कर रही है, मगर हर व्यक्ति न्यूट्रिशन से ही ठीक नहीं हो सकता, उसको ब्लड सर्कुलेशन की भी जरूरत पड़ती है। न्यूट्रिशन भी बॉडी में तभी काम करते हैं तब ब्लड सर्कुलेशन हो जाए बॉडी की, और जब ब्लड सर्कुलेशन एपरेटस हमारी ही संस्था के पास है, बहुत सारी कंपनियों के पास कोई भी ऐसा ब्लड सर्कुलेशन एपरेटस नहीं है, और किसी ने कोशिश भी करी है ब्लड सर्कुलेशन के एपरेटस बनाने की, उस लेवल के आज तक कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में नहीं लेकर नहीं आ पाया है। तो ऐसी हमारी लीडरशिप है,
और ऐसी लीडरशिप के साथ हम काम कर रहे हैं। तो हमारे जितने भी जो अप्लायंस हैं उसमें हमारे सभी सर हैं, और मुजाह सर हैं, मोहसिन सर हैं, आरिफ जी है, आसिफ जी है, इनकी इनके अपने 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 एक रोल है, और इनकी ही गाइडलाइंस की वजह से आज पूरी टीम दिल्ली से लेकर पूरी अलीगढ़ तक पूरी बेल्ट बंदी पड़ी है। और इनकी जो टच में रहेगा वो व्यक्ति अपने आप ही ऑटोमेटिकली रैंक अचीव भी करेगा, क्योंकि तो अगर मैं अपने दम से अगर अपनी रैंक को अचीव करता तो हो सकता है कि अभी और मुझे 2 साल और लग जाती, मगर अपलाइन के साथ की टच में रहने की वजह से और उनके साथ आने की वजह से दोस्त जो जो काम 2 साल आगे होता वो तो 2 साल पहले ही हो गया, और यहाँ से हमारी ये स्टार भी क्लियर हो गई। मुजाहिद सर ने बहुत सारी जो क्योंकि वो पहले से डॉक्टर थे और डॉक्टर लाइन में थे, तो जो भी पेशेंट आया करते थे बहुत सारे, उन सारे पेशेंट को मेरी दुकान पर तो मैं उनको डील नहीं कर पाता था, मगर मैं उनकी टच में था, डॉक्टर साहब की में थे, क्योंकि मैं ट्रांस में बिल्कुल नया था, तो उनको मालूम थी कि कौन से व्यक्ति को कौन सी थेरेपी दे दी है और कौन से व्यक्ति को कौन से न्यूट्रिशन रिकमेंड करने। अपना आज तक कोई दिमाग नहीं लगाया, जो उन्होंने बता दिया कि ये दे दो, उन्होंने कह दिया कि मट्टी दे दो उठा के, और वही मट्टी उठा के दे दी। उन्होंने बता दिया कि ये इस व्यक्ति को इस तरीके थेरेपी देनी है, कोई थेरेपी दे दी, उन्हीं की वजह से जो कॉम्पिटेंस हाई हुआ। और ये जो समर्पण है ये भी हमारी सफलता के लिए बहुत जिम्मेदार रहता है, और हम अगर समर्पण नहीं कर पाते हैं तो बहुत लंबे समय तक हमारी सफलता भी हमसे दूर रहती है, क्योंकि तो जिस फील्ड में आप सफलता लेना चाह रहे हैं तो उस फील्ड की सबसे मेन चीज होती है कि एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको उस फील्ड का, और वो एक्सपीरियंस आपको आएगा कहाँ से? एक्सपीरियंस लोगों के साथ आप ज्यादा से ज्यादा उनसे ज्यादा सीखोगे या उनके साथ रहोगे। तो मैं सर के साथ ज्यादा रहा हूँ, मुझे सर के साथ, और उनसे बहुत कुछ सीखने मिला, क्योंकि तो मुझे मालूम थी कि इनके पास एक चांस का एक्सपीरियंस है, और यही इनके पास से मैं अगर ये सिखाएंगे, क्योंकि तो सिखाते समय आदमी जब सिखाता है तो तब आदमी के समझ में कम आता है, मगर इनके साथ आप रह लोगे तो ज्यादा सीखोगे। तो उन्होंने मेरे सामने जितने भी प्लान्स किए जा उन्होंने जितने भी डेमो दिए जा उन्होंने जब भी ट्रीटमेंट दिया, तो सारी चीजें मेरे अंदर भी ग्रहण हुई और मैंने फोकस उन्हीं चीजों पर रखा। कभी कभी हम मगर एक समय होता है कि एक आदमी आपके लोगों से कितना मिल सकता है, कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में कोई भी अपलाइन किसी की भी कोई भी ऐसा अपलाइन नहीं होता सारी की सारी लैगें किसी की भी चलवा दे, वो आपको सीखनी होती है सारी चीजें, वो एक्सपीरियंस मैंने वहां से सीखा, मगर कभी वो एक्सपीरियंस कभी मुझे मैं भी बिजी रहता था, कभी मुझे अच्छा लगता था कभी नहीं अच्छा लगता था, कभी चीजें अच्छी लगी कभी बुरी लगी, मगर धीरे धीरे वो सारी चीजें समझ में आई। मैं भी इस फील्ड में ना HD लेवल जो टारगेट है वो लेना चाहता हूँ, तो वो भी मेरे को जब लेने के लिए उस इस फील्ड के एक्सपीरियंस होल्डर जो इतने भी लोग हैं वो आपके अपलाइन होते हैं, और उनसे ही आपको सीखने मिलेगा कि आपको क्या करना है। अगर आपकी अपलाइन आपके सामने अगर आपके 5 व्यक्तियों से मिल रही है तो आपके 5 व्यक्तियों से जो जो बातें हुई हैं आपकी समझ में आ जानी चाहिए कि 6 व्यक्ति से मैं आप खुद ही मीटिंग कर लूंगा, और ऐसा अगर आपके अंदर नहीं आ पा रहा है तो आप पूरी तरीके से आप अपने अपलाइन को समर्पण नहीं कर पाए। आप है ना अपलाइन का बिजनेस समझ रहे हैं, आप अपना बिजनेस नहीं समझ पाए, ये मेरे को काके में पहले से मालूम था, इसलिए मैं इसमें बहुत तेजी से
उनके साथ जो है ना बहुत समझ गया था। ये मेरे साथ जो परमानेंटली जो मीटिंग्स हो रही हैं, जो परमानेंट ट्रीटमेंट दिया रहा है, ये मेरे को खुद को सीखने चाहिए। अगर ये मैं नहीं सीखूंगा तो फिर मेरे लिए समस्या पैदा हो जाएंगी, क्योंकि इस फील्ड में सफलता मुझे लेनी है। और यही वजह थी। और ये सारी चीजें सीखने के बाद आज कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी कहीं से भी हो, कितना भी नेगेटिव हो, कितना भी कुछ भी हो, मुझे किसी के भी सामने आप बैठा दोगे तो मुझे कोई भी हिजक और कोई भी मेरा कॉन्फिडेंस लो नहीं जा सकता, चाहे वो कितने भी पढ़े लिखे हों, चाहे कितने भी नेगेटिव हों, या कितने भी बड़ी पोस्ट पर हों, कितने भी बड़े अधिकारी हों। अगर वो टेंस में जो जानकारी मेरे को उनको थोड़ी नहीं होगी, ये मुझे पता चल गया था। चूंकि मैं प्लान के साथ मैं रहा हूँ, सिस्टम टेंस के साथ मैं रहा हूँ, हो नहीं रहा, मेरा डर खत्म हो गया। क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये मेरी कंपनी के बारे में मेरे से ज्यादा नहीं जानते। और ये सब मुझे मालूम होने के बाद तो मैं कभी भी किसी भी व्यक्ति से नहीं डरता हूँ। और ये जो डरना, जो जिस व्यक्ति के अंदर से ये डर जो निकल जाता है, उस व्यक्ति बॉडी की एक्शन ही बदल जाते हैं। और जो बॉडी के एक्शन बदलते हैं, जब कॉन्फिडेंस हाई होता है, तो उस व्यक्ति के साथ लोग भी आसानी से आ जाते हैं। बहुत सारे हमारे टीम्स में लोग हैं और उनके अंदर अभी ये हल्की फुल्की झिझक है। अगर ये झिझक भी खत्म हो जाएंगी तो उनके साथ भी बहुत अच्छी टीम बन जाएगी, और आने वाले समय में उन लोगों के साथ भी वो सब लेवल अचीव होंगे जो वो आज एक समय जो देख के आए हैं। तो समय के साथ साथ ही हमें सेशन को खत्म करना है, और समय हो चुका है, और मेरे को समय भी आज बहुत कम मिला है। तो अगले सेशन में बहुत प्रोडक्ट की अच्छी जानकारी देंगे, और हमारे 11:30 हो चुके हैं। तो सेशन को मैं अपनी को वाणी को राम देता हूँ, और अपने सभी जो लोग हैं उनसे सबसे आशीर्वाद लेता हूँ कि आगे सेशन को जारी रखें। और थैंक यू सभी सर जी, आपके चैनल की वजह से हम यहाँ पर बोल पा रहे हैं।